आज की प्रेस वार्ता बहुत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है। पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया अलायंस मुंबई में मिलने जा रही है और उस बारे में सभी जानकारी जो आपको चाहिए, जो कल से शुरू होने जा रही है, उस बारे में आपसे बातचीत करने के लिए सभी नेतागण उपस्थित हैं। आपने देखा होगा कि मुंबई का पूरा माहौल इंडियामय हो गया है, पूरे देश में। इंडिया की सिर्फ 3 बैठकें हो रही है, लेकिन ममता दीदी ने आज कहा है, जो ममता दीदी का भी आगमन हो रहा है, कि रसोई गैस 200 रुपया सस्ता हो गया, ये इंडिया की सिर्फ 2 बैठकों का कमाल है। लालू यादव जी कल निकले पटना से मुंबई के लिए, तब लालू जी को पूछा गया पत्रकारों से, लालू जी मुंबई में क्यों जा रहे हो? तो लालू जी ने कहा, मोदी जी के नरड़ी पर बैठने जा रहा हूं। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। और एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आदित्य जी आप बोल रहे थे, आज फिर एक बार चाइना अंदर घुस गई है, आक्रमण किया है अपने जमीन पर, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चाइना पीछे हटेगी, ये इंडिया की ताकत बनते जा रही है। आज उद्धव जी, शरद पवार साहब आपसे बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम कल और परसों 31 अगस्त एंड 1 सितंबर के इंडिया मीट की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सभी प्रमुख नेता, सभी प्रमुख दल जो पटना में थे, जो बेंगलोर में थे, वो मुंबई में आ रहे हैं। लालू यादव जी का आगमन हो गया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का आगमन हो गया है, ममता बनर्जी का आगमन हो गया है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सब प्रमुख नेता कल आ जाएंगे, अखिलेश जी आएंगे, नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, ये सभी मुख्यमंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, यहां स्टालिन साहब, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी नेता गण आएंगे।